हेलो गाइस, वेलकम ऑन गेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड प्रभात कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संघ प्लेटिहेलमेन के जीवों के लक्षणों के बारे में कि इन जीव इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं उनमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो इस संघ के अधिकांश जंतु परजीवी होते हैं, यानी दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं। कुछ प्रजातियाँ स्वतंत्र जीवी एवं स्वच्छंद फ्री लिविंग होती हैं, जैसे प्लेनेरिया। ये जिन जंतुओं से आश्रय लेते हैं उनसे सटे रहने के लिए शरीर में कांटे और चूसक पाए जाते हैं। ये चपटे फीतानुमा परजीवी कृमि होते हैं। ये पृष्ठ अधोदिश से में चपटे होते हैं तथा इनका शरीर द्विपार्श्विक सममित होता है। इनमें शरीर गुहा नहीं पाई जाती है तथा शरीर के अंदर के अंगों के बीच की जगह पैरेन्काइमा से भरी होती है। ये जंतु त्रिस्तरीय होते हैं, अर्थात इनका शरीर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से बना हो। ये संघ के जंतुओं के शरीर में चारों ओर क्यूटिकल का आवरण होता है। इस संघ के जंतुओं में सर्वप्रथम अंग एवं विभिन्न तंत्रों का पूर्ण विकास पाया गया है। इस संघ के जंतुओं में पाचक तंत्र कम विकसित होता है, क्योंकि ये अपने पोषक के शरीर से पचा हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। इस संघ के जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र एवं कंकाल तंत्र नहीं पाए जाते हैं। इन तंत्रिका तंत्र में एक जोड़े अग्रगुच्छिका तथा तंत्रिका वलय एवं एक से तीन जोड़ी अनुदैर्ध्य तंत्रिका रज्जु पाई जाती हैं। इस संघ के जंतु प्रायः उभयलिंगी होते हैं तथा निषेचन क्रिया प्रायः आंतरिक हुआ करती है। इस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन क्रिया ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होती है। इस संघ के जंतुओं का शरीर खंड युक्त दिखाई देता है, लेकिन ये खंड वास्तविक नहीं होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो प्लेनेरिया, फैसिओला, टीनिया, सिस्टोमोसा आदि इसके एग्जाम्पल हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।